धनमाली साहब ग्राम कुचुंडी पोस्ट बरौली। हाँ तो साहु जी, आपके गांव कुचुंडी में किसका माहौल दिखाई दे रहा है? बीजेपी का तो माहौल दिख रहा है भाई। क्या लगता है आपको, इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी देश में, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनेगी? बिल्कुल सरकार बन जाएगी केंद्र में। कितनी कितनी सीट आती दिखाई दे रही है आपको? मेरे को तो, हम लोग जो चिंतन मनन करते हैं, खाली खाली बीजेपी 300 सीट आ जाएगा। अच्छा, जैसे बीजेपी कह रही है कि इस बार उसका लक्ष्य है 400 के पार का। पार का? हाँ, तो उसमें आपको कुछ संभावना दिखाई दे रही है? बिल्कुल, ये खाली बीजेपी पार्टी 300 आने से उनके सहयोगी दल है उनका तो हो जाएगा 50-60 वही। तो जैसा कि अगर हम महासमुंद लोकसभा की बात करें, तो बीजेपी ने रूप कुमारी चौधरी जी को इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है, तो बतौर प्रत्याशी आप उनको किस कैसा आंकते हैं? क्या कुछ पिछले मतलब इसके पहले विधायक भी रही हैं, क्या कुछ विकास कार्य किया उन्होंने बसना क्षेत्र के लिए? बहुत अच्छा किए हैं उनके कार्यकाल में, विधायक की कार्यकाल में, वो फिर संसदीय सचिव थे। तो क्या लगता है उनको, इस बार तेली समाज को छोड़ के जो है बीजेपी अन्य ओबीसी से महिला प्रत्याशी को अपना टिकट दिया है, तो इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है? नहीं, देखो, ये महिला टिकट जो दिया गया है, महासमुंद भी जितना भी चुनाव हुआ कांग्रेस जमाना से, वो भी उधार में थे हम लोग लोकसभा चुनाव में। ये कृष्णा अग्रवाल और कौन कौन, ये पवन दीवान और चंद्रशेखर साहू जी एक एक बार जीते थे, नहीं तो खाली उधार में चल रहे थे लोकसभा भी। तो अभी जैसे हम वर्तमान बात करें, ताम्रध्वज साहू और रूप कुमारी चौधरी, आपको रूप कुमारी चौधरी जी उनसे अधिक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है? हाँ, ताम्रध्वज जी से रूप कुमारी चौधरी जी के दिख रहा है भाई, उनका माहौल दिख रहा है। दिख रहा है। अच्छा, अगर हम बात करें देश में जो कांग्रेस का कार्यकाल था और अभी जो है भाजपा का बीते 10 वर्षों का कार्यकाल, इसमें आप क्या बदलाव देखते हैं, क्या कुछ परिवर्तन आया है? बहुत कुछ परिवर्तन आया है भाई, बीजेपी कार्यकाल और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जैसे कुछ आप बताएंगे, क्या कुछ आप बदलाव देखते हैं खुद के नजरिए से? मेरे नजरिए से तो बहुत कुछ बदलाव दिख रहा है भाई, हर योजना का लाभ गरीब अमीर तबके के लोगों को मिल रहा है। अच्छा, कांग्रेस के कार्यकाल में जो गरीबों को योजना थी वो सही तरीके से नहीं मिल पाती थी? नहीं, फलाद तरीका का था वो, कागज में पास हो जाता था और पैसा कहाँ जाता था, क्या होता था, क्या बनाते थे, पता नहीं चलता था। अच्छा, अभी जैसे हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात करें, तो वर्तमान में विष्णुदेव साय जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनकी जो योजनाएं हैं उनका लाभ आपके गांव में मिल रहा है? हाँ, मातृ वंदन योजना का तो चालू हो गया और चावल तो चालू है, धान का 3100 का जो रेट है और 15-14 कुंटल बेच रहे थे उसमें 21 कुंटल बेचे हैं, किसानों को बहुत फायदा हुआ है। हाँ, 2 साल का बोनस जो रुका था वो भी मिला है, और अभी का बोनस कितना, 914 रुपया कितना बन रहा था, एक मुश्त में मिला है किसानों को। अच्छा, जैसे कि बीजेपी महतारी वंदन योजना के तहत प्रत्येक महिलाओं को 1000 दे रही है, तो उसी के बदले में कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो हर महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देगी, तो इसमें आपको क्या कुछ भरोसा दिखाई दे रहा है? इसमें माहौल बरगला के माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है, 8000 या कितना रुपया पड़ेगा महीना, उतना कोई भी शासन में बैठने से दे नहीं पाएगा। हाँ, तो आपको उनकी योजना में कोई दम नजर नहीं आ रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रहा है। क्या नाम है जी तुम्हारा? बसंत साहू। तो तुम्हारे गांव में क्या माहौल दिखा थी, काकर सरकार बननी जा रही? बिल्कुल बीजेपी की सरकार बन है। कौन ला टिकट दी से बीजेपी? रूप कुमार चौधरी। और कांग्रेस ले कौन ला टिकट दी से? ताम्रध्वज साहू।
तो दोनों में कौन मतलब मजबूत स्थिति में दिखाई दे? मजबूत रूप कुमारी चौधरी। का बरोहर मजबूत दिखाई दे? का बरोहर मोदी के गारंटी और हमारे एरिया में बहुत काम करी से, जिला सदस्य रही से, संसदीय सचिव रही से, सब लाजा मालूम हो जाना था। आम तो वैसे पुलिया मल्ला हमारी कब्सा खुटा वाला मेन कार्य वह रही से, आना जाना बंद हो गया रही से। और अभी जैसे पिछले 10 साल में केंद्र में मोदी सरकार है, तो मोदी सरकार के आने के बाद मतलब का बदलाव देखी? पूरा विकास हुई से हमारे भारत। और अभी गांव में योजना के फायदा मिला थे पूरा? सब हाँ, सब योजना का फायदा मिला था। और जो प्रदेश सरकार में जो घोषणा करे रही मोदी के गारंटी, प्रत्येक महिला ला 1,000 रुपया मिली, वो सब मिला? हाँ, वो भी मिला था, सब मिला था, सब योजना के फायदा मिला। हाँ, सब का फायदा मिला। तो का लग खरीदारी 400 पार हो चाहिए बीजेपी? बिल्कुल पार हो जाए। ना पसंद सा आवे का माहौल है तुम्हारे गांव में? हाँ, हमारे गांव में बीजेपी का माहौल है पूरा। यहाँ 80% बीजेपी का माहौल है। यहाँ कौन है प्रत्याशी? कौन का प्रत्याशी? रूप कुमार चौधरी है, जो हमारे विधायक रही आघोले बसना क्षेत्र के। ओकर काम काज देख के जो अभी माहौल चलत है बहुत अच्छा चलत है। कई ठप बनाए है अभी पुलिया ले ला करके, और संसदीय मंत्री भी है हमारे एमए के। लेकिन मैं एक चर्चा ये सुने हूँ कि जो है बीजेपी जो है साहू समाज ने टिकट नहीं दी से, तो साहू समाज के मन नाराज है, ऐसे भी कहीं कहीं मुला सुने पर मिली से, ऐसे कोई बात है का? देखो सही हो साहू समाज के बात है, साहू समाज तो हमारे में 80% है, लेकिन सब 80% आदमी कांग्रेसिया नहीं हो, न 80% आदमी भाजपा भी नहीं हो, लेकिन भाजपा में ले रहे जो 60-70% हमारे भाजपा है। तो मतलब बीजेपी ला वोट दी कहो? हाँ, साहू समाज के बीजेपी में वोट रही। साहू समाज के बात करा था, देखो अभी ईश्वर साहब के जो कांड हो रही वहाँ कहाँ है का? साजा में उड़ा, तो कोई ध्यान थोड़ी दिखा था, मतलब साहब मंत्री रहते हुएगा कोई ध्यान दे के थोड़े ध्यान दी कि हम साहू समाज के लेकर इसे गुदा गुदा के मारे थे, जहाँ देखोगा इसे के कहीं का। अभी चुनाव पर कहा था कि मैं साहू समाज में वोट दो कहा थे, तो वो बात अभी तो पब्लिक देखा थे, जनता जाना थे हमारे साहू समाज के भी। अच्छा, तो महासमुंद लोकसभा की अगर हम बात करबो तो यहाँ रूप कुमार ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे? पूरा मजबूत स्थिति में है, और फूल साहब यहाँ जिंदाबाद है। अच्छा, और अगर हम बात करबो जैसे मोदी के 10 साल के कार्यकाल रेस, तो का योजना के लाभ? मोदी के 10 साल कार्यकाल के बाद ला जो जानते है जान ही, बाकी उनका जान ही, जैसे कि पीएम आवास है, पीएम आवास है पूरा 370 हटा दी, का देश में का निकली आज तक वो हर, और फिर करने वाला है 5 साल में वो। अच्छा, जैसे अभी तुमन 370 के बात करे रहो, अयोध्या में राम मंदिर, राम मंदिर हुई से वहाँ, तो का लगते हिंदुत्व के मुद्दा में भी वोट दी क्षेत्र के लोग? हाँ बिल्कुल दी है, हिंदुत्व में काम देख के भी दी आदमी, और मोदी चाहते हैं भी।